सरगुजा सीट ले भाजपा सांसद रेणुका सिंह राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री पद के शपथ लिहिस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ह ओला पद और गोपनीयता के शपथ देवाइस। छत्तीसगढ़ ले पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में सांसद रेणुका सिंह ला जगह मिले है। एकर ले जिला में खुशी के माहौल है। रेणुका सिंह दू घाव 2003 ले 2008 और 2008 ले 2013 तक विधायक और प्रदेश में दू बछर भर मंत्री और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछड़ा क्षेत्र और यहाँ से प्रथम बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई श्रीमती रेणुका सिंह जी को जिस तरीके से यहाँ अवसर दिया गया, तो ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े क्षेत्रों का, आदिवासी क्षेत्रों का विकास चाहती है। और निश्चित रूप से एक मंत्री के रूप में यहाँ स्थानीय मंत्री होने के नाते विकास का जो जज्बा उनके अंदर है, जिस तरीके से विकास होने की जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो बहुत सी चीजें हुई हैं और कुछ उम्मीदें केंद्र सरकार से भी रहती हैं। और केंद्र सरकार भी जिस तरीके से अभी सर्वांगीण विकास कर रही है और आने वाले समय में यहाँ रेल के विकास की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और अन्य जो यहाँ थर्मल पावर वगैरह की जो संभावनाएं थी वो भी बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी, इस क्षेत्र की समस्याएं, इस क्षेत्र का विकास उनके मंत्री बनने से बहुत कुछ हद तक दूर होगा और ये सरगुजा भी एक विकसित क्षेत्र माना जाए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिला, जो हमारे सूरजपुर जिले का एक आदिवासी नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व में जो एक अवसर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, वास्तव में हमारे सरगुजा संभाग में सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के न होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी वो आज मुझे लगता है कि केंद्र में मंत्री बनने से तो हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हमारे लोगों को एक अवसर मिल रहा है मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने का। अब हम पूरा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में एक नए उत्साह के साथ जिस तरह 11 में 9 सीट चुनाव जीत के आए हैं और सरगुजा से भी हमारे सीट अच्छे वोटों से लोगों ने जिताया है और पूरा अवसर मिला है। और जहां तक रेणुका सिंह जी दूसरी बार विधायक सभा में पहुंची, अब लोकसभा में पहुंची हैं और मंत्री बनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि सरगुजा जिले के साथ साथ अपने छत्तीसगढ़ के विकास को जारी रखना होगा। निश्चित रूप से सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल क्षेत्र को केंद्रीय नेतृत्व ने जो जगह दी है मंत्री के रूप में, वह मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 1977 में लगन साय जी के बाद पहली बार किसी महिला को इस क्षेत्र से मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है। और रही अगर विकास की बात, तो विकास की जो संभावनाएं यहाँ पर रही उसमें खरा उतरने का प्रयास रेणुका सिंह जी ने मंत्री रहते छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रहते किया है। और अभी जो परिस्थितियां हैं सरगुजा की, जो परिस्थितियां यहाँ निर्मित हुई हैं विधानसभा चुनाव के हार के बाद, जब हम इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव जीते हैं और जब हम इस क्षेत्र में रेणुका सिंह जैसे शख्सियत को, तेज तर्रार महिला को, जो जनता की चिंता करती है, जो संगठन की चिंता करती है, जो कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, ऐसे सशक्त नेतृत्व करने वाली महिला को जब इस क्षेत्र से मंत्री का दायित्व मिला है, तो निसंदेह सरगुजा और यह क्षेत्र, यह पूरा छत्तीसगढ़ विकास करेगा।